नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। रेसिडेंसी कोठे पर कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और भाजपा विधायकों की बैठक की गई। इससे पूर्व कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी सहित अन्य नेताओं ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त के साथ बैठक की। नगर निगम की कार्रवाई किस तरह की जाए, इसको लेकर जनप्रतिनिधियों के बीच मंथन चल रहा है। ठेला कांड के बाद शहर की प्रशासनिक और राजनीतिक उथल पुथल को देखते हुए बीच का रास्ता निकालने पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान आपदा प्रबंधन द्वारा बताया गया कि फिलहाल इंदौर में अभी कोई लॉकडाउन नहीं होगा। वहीं कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि सोमवार से जोन 2 की सभी दुकानें खुलेंगी, राइट लेफ्ट बंद होगा। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वहीं बैठक में शामिल बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोमवार से जोन 2 मिल क्षेत्र सहित अन्य इलाकों के आने वाली सभी दुकानें सोमवार से शनिवार तक खुली रहेंगी। साथ ही 56 दुकान को लेकर कहा कि रक्षाबंधन के बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। बैठक रखी गई थी, इसमें पूरा कोरोना के वर्तमान स्टेटस के बारे में चर्चा हुई, कितने बेड उपलब्ध हैं उसके बारे में चर्चा हुई, किस प्रकार से पॉजिटिविटी रेट है, किस प्रकार से डबलिंग रेट है, सब समझाया बतलाया, जानकारी प्राप्त की सम्माननीय सदस्यों ने। और उसके बाद ये हुआ कि पहले चरण में मंडे से हम लोग जो जोन 2 क्षेत्र है, इसमें जो हम लोगों ने पिछले 10-12 दिनों के पहले जब केसेस बढ़े थे, हमने लेफ्ट राइट सिद्धांत यहाँ भी लागू किया था। तो जोन 2 वाले क्षेत्र में अभी हम लोग लेफ्ट राइट से करके डेली उनको अलाउ करेंगे। और सैटरडे भी हम लोगों ने सजेस्ट नहीं किया है कि उसको ऑफ किया जाए, सैटरडे भी चालू रहेगा। और जोन 2 में लेफ्ट राइट की दुकानें मंडे से खुल सकेंगी, दोनों तरफ की दुकानें या सिंगल तरफ की दुकानें। अभी आपने जैसे देखा होगा कि कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, उसको लेके हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और कमिश्नर नगर निगम, हम लोगों ने बैठ के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने आज ऐसा सुझाव रखा है सारे विधायक जनों ने कि सोमवार से जोन 2 जो है हमारा, जो ये मध्य क्षेत्र, जोन 1 जो हुआ वो पुराना इंदौर, जोन 2 जो है वो मध्य क्षेत्र, उसको पूरा लेफ्ट राइट छोड़ के चालू कर दिया जाए सोमवार से लेकर शनिवार तक। ऐसा सुझाव हमारे सारे आदरणीय जनप्रतिनिधियों ने दिया है। और उसके अलावा जो जो जैसे अभी राखी का त्यौहार आ रहा है, तो राखी पे जो छोटी दुकानें लगती हैं वो दुकानें लगें, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इन सब विषयों को लेकर आज हम लोगों ने चर्चा। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।